गाइस कितना अच्छा होता अगर आप कहते कि मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जा और गाड़ी स्टार्ट होती, जैसे कि मैं बोलूँगा रॉयल इनफील्ड स्टार्ट हो जा, वाह कमाल हो गया। और देखिए गाड़ी स्टार्ट, अब मैं कहूँगा रॉयल इनफील्ड बंद हो जा। अगर आप अपनी गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं और वो कौन कौन से मॉडिफिकेशन ज़्यादा बढ़िया रहेंगे आपके लिए, इस वीडियो में आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में आज इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इंडिकेटर जो हमने इस लाइट के गाड़ी के अंदर लगाया, ये है LED इंडिकेटर। और आपको हैंडल बार में दिखेंगे बैलेंसर हैं, बैलेंसर में भी हमारा लाइट जल रखी है और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। देखिए अभी मैं एक बार थोड़ा सेटे डाउन करके देखता हूँ कि रोशनी आपको अच्छे से दिखेंगी। देखिए अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल चमक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेटर जलते हुए नज़र आएंगे। दूसरा हमारा यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर के, बहुत ही अच्छा है। अब हम जलाएंगे इसका पार्किंग लाइट। और अब मैं पार्किंग लाइट की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर ये LED पार्किंग लाइट लगा रखी है और बहुत ही बढ़िया कमाल की लाइट लग रही है। और एक यहाँ पर रॉयल इनफील्ड है जो नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, देखिए काफ़ी कमाल की लाइट लग रही है। और ये हमारे इंडिकेटर में ब्लू लाइट है और साइड में हैंडल बार में भी ब्लू लाइट है यहाँ पर। और ये काफ़ी अच्छे हैं बहुत ही, ये आपको दिल्ली में मिल सकते हैं 1000 रुपये के अंदर पूरा सेट। जो अभी तक मैंने आपको इतनी चीज़ दिखाई है ये 1000 रुपये के अंदर दिल्ली में आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ दूसरे टॉपिक के ऊपर कि दूसरा इसके अंदर क्या खास है। अभी देखेंगे आपको इसमें हेडलाइट लगा रखी है, यह है इसके अंदर जो हमने हेडलाइट यूज़ कर रखी है यह है 75 वॉट की और ये काफ़ी अच्छी रोशनी है। इसके अंदर जो DRL होता है, जो यहाँ पे DRL लगता है वो मैंने बंद कर रखा है और वो आप सिंपल DRL भी चला सकते हैं और DRL की लाइट भी बहुत अच्छी है। और ये हमारी पूरी हेडलाइट हो गई, देखिए आपको नज़र आएगी। और ये हमारी सिंपल, हम जाते हैं खाली यार हमारी पार्किंग जली रहे, इंडिकेटर और साइड के बैलेंसर जले रहे, तो देखिए ऐसे में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि खाली मतलब हेडलाइट ना जले खाली DRL जले, तो मैंने एक स्विच लगा रखा है, वो स्विच लगा के बहुत अच्छे से आसानी से काम हो जाएगा और ये बहुत अच्छा है। अब मैं चलता हूँ यहाँ, देखिए रॉयल इनफील्ड की एक प्लेट है और ये काफ़ी कमाल की नज़र आ रही है। शायद यहाँ सही से दिख ना पाए, कभी कभी क्या होता है हमारा कैमरे से अच्छे से दिखता नहीं है। और ये प्लेट काफ़ी अच्छी है, 700 रुपये की है, ठीक है, ये 700 रुपये के आसपास है हमारी। अब हम दिखाते हैं पीछे बैक लाइट में हमने क्या कर रखा है। इसके अंदर हमने बैक लाइट के अंदर जो पिछले इंडिकेटर होते हैं उसको बैक लाइट जो इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर रखा है, एक बार वो जला के दिखाते हैं। जैसे हम ब्रेक दबाएंगे और हमारे देखिए इंडिकेटर ब्लिंक होंगे, एक बार दबाइए, ये देखिए ये काफ़ी अच्छी लाइट है। और अच्छा इससे बेनिफिट ये है कि हमारा मतलब जब हाईवे पर हम लाइट मारते हैं तो सामने से दूर से ही नज़र आ जाता है। अब इंडिकेटर जला के दिखाएंगे, इंडिकेटर सर लाइट बंद करके पैर हटाइए और ये नॉर्मल इंडिकेटर हमारे जल रही है। एंड राइट साइड देखिए बहुत ही अच्छा मॉडिफिकेशन है। अब कुछ और चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। एक डिवाइस हमारे पास ये लगी है रॉयल इनफील्ड की और देखिए ये रेड लाइट जल रही है इसकी और ये बहुत अच्छी डिवाइस है, बढ़िया रात के टाइम पर बहुत अच्छी रोशनी आती है इसकी। एक बार बंद करिए इसको, पार्किंग देखिए बंद हो गई, अभी जलाइए, मतलब रात को बहुत ही अच्छी रोशनी है। और ये कुल 250 रुपये की है और बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अंदर एक डिवाइस लगा रखी है, वो वॉइस कमांड है। दोस्तों मेरे पास एक डिवाइस आ रखी है रॉयल इनफील्ड के लिए बना रखी है और बहुत ही कमाल की डिवाइस है। और देखिए अभी गाड़ी में कोई चाबी नहीं लगी है, की कोई भी चीज़ नहीं लग रखी है, बस ये वॉइस कमांड से स्टार्ट होती है। ऐसा रॉयल इनफील्ड में पहली बार किसी ने एक डिवाइस बनाई है जो वॉइस कमांड से स्टार्ट होगी। रॉयल इनफील्ड स्टार्ट हो जा, रॉयल इनफील्ड स्टार्ट हो जा, देखिए रॉयल इनफील्ड बोला स्टार्ट हो जा तो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ आप मीटर चेक कर सकते हैं और एक्सीलेटर भी ले लीजिए, ठीक है।
सब कुछ नॉर्मल काम कर रहे हैं। अब मैं बोलूँगा रॉयल इनफील्ड बंद हो जा, और देखिए रॉयल इनफील्ड बंद हो जा बोला, गाड़ी बंद हो गई है। उसके बारे में मतलब पूरा रिव्यू आएगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि अब इस पर काम चल रहा है, वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। और इसके अंदर एक लगा रखा हमने वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए हैंडल बार में, जिसको वाइब्रेशन रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर एक लगा रखी है रोड, यह आपको अमेजोन से मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको डिवाइस के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा कितने की पड़ रही है वो डिवाइस, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इग्निशन ऑफ करके दिखाऊँगा इसका कि कैसे डिवाइस काम करेगी। तो डिवाइस कुछ इस तरह काम करते हैं कि आप गाड़ी से मतलब 10 फुट की दूर पे रहेंगे और गाड़ी से बोलेंगे कि रॉयल इनफील्ड स्टार्ट हो जा, तो यहाँ पर आपकी रॉयल इनफील्ड स्टार्ट हो जाएगी, रॉयल इनफील्ड स्टार्ट हो जा। और देखिए रॉयल इनफील्ड स्टार्ट हो गई है। अब मैं बोलूँगा कि रॉयल इनफील्ड बंद हो जा, और ये देखिए बंद हो गई। बहुत ही कमाल की डिवाइस है और ये मेरे पास अभी रिव्यू के लिए आई है। 2-4 दिन में इसको चलाता हूँ, अच्छे से यूज़ करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक बार मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, रॉयल इनफील्ड स्टार्ट हो जा, रॉयल इनफील्ड स्टार्ट हो जा। अब रॉयल इनफील्ड स्टार्ट हो जा, रॉयल इनफील्ड स्टार्ट हो जा। तो यहाँ देखिए रॉयल इनफील्ड बिना किसी चाबी के, बिना सेल्फ लिए रॉयल इनफील्ड स्टार्ट है। मीटर देख सकते हैं आप, और मैं एक्सीलेटर लेता हूँ और गाड़ी की चाबी यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा रॉयल इनफील्ड बंद हो जा, तो यहाँ गाड़ी बंद हो चुकी है। बहुत ही कमाल की डिवाइस है, और देखिए मीटर फिर से नॉर्मल आ चुका है। यही गाड़ी थी।